इस वीडियो में मैं आपको यूबंटू में पाईचार्म इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा। पाईचार्म एक आईडीई है जो कि हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए। तो पाइथन का ये सबसे बेस्ट आईडीई पाईचार्म है मेरी नज़र में। उसके लिए आप सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र लाइक क्रोम खोलें या फायरफॉक्स, यहाँ पे पाइचाम प्रिंट टाइप करें, डाउनलोड में जाएं, यहाँ पे एक लिनक्स का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे दो वर्जन अवेलेबल हैं पाइचाम के, प्रोफेशनल और कम्युनिटी। जो प्रोफेशनल वर्जन है वो उसका फ्री ट्रायल अवेलेबल है, लेकिन जो कम्युनिटी वर्जन है वो ओपन सोर्स है और फ्री है। तो हम कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करें कम्युनिटी वर्जन के, सेव फाइल पे क्लिक करें और ओके का बटन दबा दें। इट वुड टेक सम टाइम टू डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी। अब डाउनलोड में जाके पाइचार्म कम्युनिटी वर्जन का फोल्डर ओपन करें और बिन वाले फोल्डर में जाएं। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके टर्मिनल खोलना है और टर्मिनल में ये कमांड प्रिंट टाइप करनी है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश पाइचाम डॉट एस एच और एंटर का बटन दबा देना है। आपका पाइचाम इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अब आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ से आपने डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे क्लिक करना। स्किप रिमेनिंग एंड सेट डिफॉल्ट्स पे क्लिक करें। अब क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें और अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। अब मैं आपको पैकेजेस इंस्टॉल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ आईडीई में। फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से सेटिंग में जाएं। सेटिंग में आपको एक प्रोजेक्ट और आगे जो आपका प्रोजेक्ट नेम है उस नाम का एक टैब नज़र आएगा, उस पर क्लिक करें। यहाँ से प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको अपना पाइथन जो है वो उसमें एक्सेस करना पड़ेगा, उसके लिए आप प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर पर क्लिक करें और पाइथन का जो भी वर्जन आप इंपोर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, ओके का बटन दबा दें। आपका जो ग्लोबल एनवायरनमेंट वो सेट हो चुका है। एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करें न्यू में जाके, कोई भी नाम दे सकते हैं आप उसे। एक मैं कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। इसका मतलब है कि आपका ग्लोबल एनवायरनमेंट सेट हो चुका है। दोबारा आप प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर में जाएं, यहाँ पे ऑलरेडी दो पैकेजेस इंस्टॉल हैं। मजीद पैकेज ऐड करने के लिए प्लस के साइन पर क्लिक करें। यहाँ पे अब मैं नम पाई इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, नम पाई टाइप करें और एंटर का बटन दबाएं। यहाँ पे आप डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं लेटेस्ट करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा। इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करें, नम पाई इंस्टॉल होने जा रहा है। नम पाई इंस्टॉल हो चुके हैं।
आप देख सकते हैं कि पैकेज की लिस्ट में NumPy आ चुका है। सिमिलरली आप कोई भी पैकेज या लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन के बाद इंडेक्सिंग में कुछ टाइम लगेगा, सो इस तरह हम डिफरेंट लाइब्रेरीज और पैकेज इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने पाइचार्म इंस्टॉलेशन और उसमें डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करने का तरीका सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।